आपका नाम जान सकता हूँ? अंदलुसिया इब्नुल अरबी। ख्याल रखिएगा, मेरी दुआएं साथ हैं आपके। क्या चाहिए? खामोश क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। तुमने अगर नोमान को मेरे हवाले ना किया तो मेरी बात याद रखना, तुमको कहीं भी पना नहीं मिलेगी, ना ही सुलेमान शाह जिंदा रहेगा। इसका पीछा करते रहना, नजर रखो इस पर, उसके हर इकदाम की खबर दोगे मुझे। या अल्लाह सुभान तेरी कुदरत, कितना हसीन नजारा है। हाँ, जन्नत है बिल्कुल ये जगह, और लगता है कि जानू भी साथी है। बिल्कुल, ये इलाका दुश्मन की सरहद से जुड़ा हुआ है। सलीबियों का खुफिया किला भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान होगा। शैतान हर जगह मौजूद है, हमारे दरमियान हर जगह। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और काई कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। उसने मेरी दुआ सुन ली। हमारी खबरें कोई दे रहा है कारातुगर को, वरना उसके आदमियों की इतनी हिम्मत नहीं कि हमला करते। वक्त आ चुका है बिसोल के इंतकाम का। जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे बाप दादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती नहीं। मुझे गाजियों और शहीदों के साथ शामिल फरमा और अपने कबीले और आबाओ अजदाद के नाम को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। इन आसमानों की ऊंचाइयों और जमीन की अथाह गहराइयों को हमारी मदद का जरिया बना। इस आग और खून की जंग में तू ही हमारा हामी और नासिर और मदद फरमाने वाला है। तुम्हारी वजह से हो रहा है।
कैसे नहीं मालूम था तुम्हें? कबीले का तो ख्याल करना चाहिए। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं, न बाबा न कबीले की। हमारा कबीला किस हाल में है, क्या ये सब नजर नहीं आता तुम्हें? बारिश के आसार नहीं है, कहर बढ़ता जा रहा है। और तुम कहते हो इंसाफ कर, सब तबाह हो जाए, नस्लें तबाह हो जाएंगी। अर्तुरुल, नस्लें। गलत तैयारी कर रहे हो तुम। शाहीन पिंजरे में है अब तुम।